Okay, the new chapter is embodiment design and detailed design. Introduction. The next phase of design process is often called embodiment design. It is the phase where the design concept is invested with physical form, where we put meat on bones. We have divided the embodiment phase of design into three activities: product architecture, setting the arrangement of physical element of design into grouping called modules; configuration design, designing special purpose parts; and selection of standard components like pumps or motors. Okay. Parametric design. Design determining the exact value, dimension or tolerance of component features that are deemed critical to quality. Okay. It is important to understand that writers about engineering design do not use the same nomenclature labeling the phase of design process. Nearly everyone agrees that the first step in design is probably definition or needs analysis. Problem definition and needs analysis. Some writers consider problem definition to be the first phase of designing process, but in agreement with the most designers, we considered it to be the first step of conceptual design phase. The design phase that we considered in this chapter, which we called embodiment design is also called preliminary design. Embodiment design होता क्या है? Embodiment design में हम जितना भी अपने designing process जो हमने की है virtually और conceptually, उसको हम as a physical form देने की कोशिश करते हैं. Like where we put meat on bones kind of situation. तीन type की activities के बेसिस पे embodiment design को तीन बेसिस पे criteria करे हैं: product architecture, configuration design and parametric design. Product architecture means आपको एक modules बनाने होते हैं चीज़ों के, like pen है तो उसके modules क्या होंगे, एक उसकी refill हो सकती है, एक chassis हो सकती है उसकी body और उसकी nips हो सकती हैं और उसका शायद अप डाउन मैकेनिज्म हो सकता है निप का अंदर बाहर, कैप हो सकता है एक मॉड्यूल. एंड तो उस तरीके से डिज़ाइन, उस चीज़ों की डिज़ाइंस देनी होती हैं और एक तरीके से उन चीज़ों का अरेंजमेंट डिसाइड करना होता है. पहले केस में तो फिक्स होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ होने वाली है, लेकिन लाइक कार हो गई तो उसमें तो पैन तो एक पैन वगैरह केसेस में तो आपको लगभग पता ही होता है कि ढक्कन की पोजीशन कहाँ होनी है और रिफिल पोजीशन कहाँ होनी है. बट गाड़ियाँ जैसे कार्स वगैरह आ जाती हैं, उसमें चीज़ों की पोजीशन, जैसे अगर आप मॉड्यूल्स को डिफाइन कर रहे हैं तो ट्रांसमिशन होता है उसमें, टायर्स होते हैं, स्टेरिंग सिस्टम होता है अलग से, इंजन्स होते हैं एंड ब्रेकिंग सिस्टम्स होते हैं, सस्पेंशन होता है. तो उन चीज़ों के अरेंजमेंट एक तरीके से डिसाइड करना होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर फिक्स आएगी. तो उस बेसिस पे भी कार्स को भी, कई कारों में इंजन पीछे होता है, कई कारों में इंजन को आगे लगा देते हैं, लाइक स्पोर्ट्स कार हो गई तो उसमें इंजन पीछे होता है. तो उस तरीके अरेंजमेंट को प्रोडक्ट आर्किटेक्चर बोलते हैं. कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन में इन द सेंस आप उसके स्पेसिफिक पार्ट्स को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, डिज़ाइन नहीं करना हो, सिर्फ एज अ स्ट्रक्चर बताना है, उसकी पोजीशन बतानी है, अरेंजमेंट बताना है एंड सिलेक्ट करना है. मींस जो आपने पंप्स और मोटर्स जैसे एक्स्ट्रा में चीज़ें यूज़ की रहती है तो उसके एक तरीके स्टैंडर्ड्स कंपोनेंट्स जैसे पंप और मोटर वगैरह के सिलेक्शन क्राइटेरिया बताने हैं जिस बस. एंड पैरामेट्रिक डिज़ाइंस में आप थोड़े टेक्निकल हो जाते हैं, टेक्निकल इन द सेंस कि आपको चीज़ों के डायमेंशंस बतानी पड़ेगी
वो कितना टॉलरेंस सह सकते हैं, कितनी टॉलरेंस सह सकती है और कितनी क्वालिटी की उसको ज़रूरत है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइन करनी पड़ जाएगी। और इंजीनियर्स मतलब अलग अलग बुकों में अलग अलग नोमेनक्लेचर फॉलो किया जा करते हैं। इंजीनियर के ऐसी कोई वो नहीं है कि कॉमनली जो नोमेनक्लेचर हम यूज़ करेंगे वही सारे अलग बुकों में मिल जाएगा। बट एक बात ये होती है कि सारे इंजीनियरिंग प्रोसेस सब मतलब जितने भी राइटर्स हैं वो एक तरीके से एग्री करते हैं कि स्टार्टिंग हमेशा प्रॉब्लम डेफिनेशन या आपकी नीड एनालिसिस से होती है। एंड कभी कभार जो हमने प्रॉब्लम डेफिनेशन और नीड एनालिसिस की जो प्रोसेसेस हैं वो एम्बॉडीमेंट डिज़ाइन का ही फर्स्ट पार्ट कंसीडर कर लिया जाता है किसी किसी में, तो उसको ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे। इसके बारे में थोड़ा लिख लेता हूँ, लिखा हुआ है पहले मैंने, मेरी वीडियो डिलीट हो गई थी इसलिए फिर से बताना पड़ा। तो एम्बॉडीमेंट डिज़ाइंस एंड डिटेल डिज़ाइंस के बारे में इंट्रोडक्शन पहले लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन मीन्स दो लाइनें लिख दी हैं। एम्बॉडीमेंट डिज़ाइन इज़ द फेज वेयर द डिज़ाइन कॉन्सेप्ट इज इन्वेस्टेड विद फिजिकल फॉर्म। गलत लिखा दिया गया, वैसे ठीक है, फील तो सही आ रहा है। थ्री एक्टिविटीज़ आर प्रोडक्ट आर्किटेक्चर, कॉन्फिगरेशन डिज़ाइन एंड पैरामेट्रिक डिज़ाइन। ये सारी बुकों में इसको एज अ प्रिलिमिनरी डिज़ाइन प्रोसेस ही बोल सकते हैं। वैसे ये गलत लिखा है मैंने। प्रोडक्ट आर्किटेक्चर, प्रोडक्ट आर्किटेक्चर इज द अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल एलिमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट टू कैरी आउट इट्स रिक्वायर्ड function. Okay, product architecture begins to emerge in the conceptual design phase from such things as diagram of functions, rough sketches of concept and perhaps a proof of concept model. However, it is an embodiment design phase that the layout and the architecture of the product must be established by defining the basic building blocks of the product and their interface. Scrum organization refers to this as system level design. There are two entirely opposite styles of product architecture, modular and integral. Integral architecture. In an integral architecture, the important implementation of function is accomplished by only one or a few models. In integral product architecture, components perform multiple functions. This reduces the number of components, generally decreases cost, unless the integral architecture is obtained at the expense of extreme part complexity. Integral product architecture is often adopted when the constraint of weight, space, nor cost make it difficult to achieve required performance. Another strong driver towards integration of component is design for manufacturing and assembly (DFMA) strategy, which calls for minimizing the number of parts in a product. Modular architecture. A modular architecture makes it easier to evolve design over time. The product can be adapted to the need of different customers by adding or deleting modules. Obsolescence can be dealt with by replenishing components as they wear out, and at the end of its useful life, the product can be remanufactured. Modular design may even be carried out to the point of using the same set of basic components in multiple products, creating a product family. There are four distinct strategies for using modularity in the product design and manufacturing.
compound sharing modularity. This type of modularity exists when a family of similar products use the same assembly or component. Component sweeping modularity. This type of modularity exists in a product that is differentiated only by single components or assembly. Cut to fit modularity. This is a customization strategy where a product parameter or feature can be adjusted within a given range to provide a variety of product. Platform modularity. This form of modularity describes product that consists of different combination of modules assembly on the same basic structure. So basically product architecture के रेंज में हम किसको लाएंगे, प्रोडक्ट आर्किटेक्चर में हम अरेंजमेंट से डील करते हैं, फिजिकल एलिमेंट जो भी थे हमारे उसके अरेंजमेंट डिसाइड करते हैं। ये हम कई तरीके से कर सकते हैं, या तो उसके स्केच बना के कर सकते हैं या फिर पर्टिकुलरली डायग्राम को डायरेक्टली शिफ्ट कर करके देख सकते हैं। मीन जो भी जितने भी आपके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसको अलग अलग कॉम्पिटिशन में अरेंज करके देख सकते हैं। और एक तरीके से ये भी दो टाइप की होती है प्रोडक्ट आर्किटेक्चर, पहली है मॉडलर और सेकेंड है इंटीग्रल। तो पहले इंटीग्रल आर्किटेक्चर में जाएंगे। इंटीग्रल आर्किटेक्चर इन द सेंस आप देख इंटीग्रल आर्किटेक्चर का एग्जांपल्स वो आप यूज एंड थ्रो टाइप के पैनल्स को ले सकते हैं। इंटीग्रल आर्किटेक्चर यूज एंड थ्रो पैनल्स में क्या होता है कि उसमें रिफिल वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, सीधे जो बॉडी का फ्रेम जो होता है उसी में एक स्पेसिंग दे के उसी में इंक डाल दी जाती है। तो एक तरीके से जो पार्ट एज अ रिफिल का काम करना चाहिए और बॉडी का काम करना चाहिए वो सब एक ही चीज़ काम कर देती है। इंटीग्रेटेड चिप्स भी आती हैं। इंटीग्रेटेड चिप्स क्या होती हैं, जो भी सर्किट वगैरह रहता है जो भी फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है तो वो उसमें एम्बेडेड होते हैं अलग से, तो अलग से आपको सर्किट बनाना नहीं पड़ता। तो एक तरीके से इंटीग्रल आर्किटेक्चर के एग्जांपल हो गए। इंटीग्रल आर्किटेक्चर का फ़ायदा ये होता है कि आप काफ़ी सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स होती है तो वो आप एक ही में चीज मतलब एक ही चीज़ में एडजस्ट कर देते हैं और ये कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। लाइक लैब में भी कई एक्सपेरिमेंट देखे होंगे जिसमें एक ही चीज़ में कई सारे एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं, तो कस्टमर नीड के हिसाब से कर सकते हैं। फ़ायदा ये हो के आता है कि वेट कम हो रहा होता है, स्पेस कम यूज़ कर रहा होता है और ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है क्योंकि एक प्रोडक्ट ही आपका 4-5 काम कर दे रहा होता है। ये तरीके DFMA स्ट्रेटेजी है, मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली, डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली DFMA, जो कि बस जो कि पार्ट्स कम से कम पार्ट्स को यूज़ करने पे जोर डालती है। मॉडुलर आर्किटेक्चर का एग्जांपल हो सकता है पेन का, जैसे बोला तो पेन्स में अलग अलग तरीके मॉड्यूल्स आप कर सकते हैं। एक कैप पेन को एक कैप की ज़रूरत होगी, उसको एक बॉडी की ज़रूरत होगी, एक मैकेनिज्म की ज़रूरत होगी जिससे रिफिल अंदर बाहर हो सके, या फिर अगर वो टैप एंड टिप टाइप का पेन है तो एक बटन चाहिए होगी, एक अंदर बाहर होने का मैकेनिज्म चाहिए होगा, या फिर कैप वाला पेन है तो कैप की ज़रूरत होगी और रिफिल की होगी, निप की होगी। हाँ, तो ये एक तरीके से मॉड्यूल्स हो गया है। इनका फ़ायदा क्या होता है मॉड्यूलर आर्किटेक्चर के, जो भी मॉड्यूल्स होते हैं ये यूज़ हो सकते हैं। लाइक रिफिल अगर ख़त्म हो गई आपकी पेन की तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं न्यू रिफिल से, आपको पूरा स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करना पड़ता एक बार में। तो उस मॉड्यूलर आर्किटेक्चर को भी चार बेसिक कैटेगरी में डिफाइन कर किया जाता है। पहली होती है कंपोनेंट शेयरिंग मॉड्युलैरिटी। तो फिजिकल रिलेशन इसका क्या हो सकता है कि आप देखते होंगे
कोई कंपनीज होती हैं जो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग फ्रेम बॉडी डिज़ाइन कर रही होती है पेंस के लिए, और कोई कंपनी होती हैं जो सिर्फ रिफिल अलग अलग क्रिएट कर रही होती हैं, बॉडी सेम रख रही होती हैं एक यूनिक मतलब कलर की, तो आप उसमें कोई भी रिफिल डालिए किसी कलर की और चल जाएगी। तो वो कंपाउंड शेयरिंग मॉडुलैरिटी उसका काम आता है कि पेन की बॉडी सेम है लेकिन आप उसको उसमें अलग अलग कलर की रिफिल डाल के अलग अलग कलर से लिख सकते हैं, तो ये कंपाउंड शेयरिंग मॉडुलैरिटी है। कंपाउंड स्वीपिंग मॉडुलैरिटी है क्या हो सकती है, कंपाउंड स्वीपिंग मॉडुलैरिटी में पहले असेंबली लाइंस कंपाउंड स्वीपिंग मॉडुलैरिटी क्या होती है कि आप कंपाउंड शेयरिंग मॉडुलैरिटी में मींस कि कंपोनेंट्स सारे सेम थे, आप देखेंगे कि मतलब रिफिल से लेके बॉडी तक हर चीज़ सेम थी, बस उसके अंदर की इंक अलग थी। कंपाउंड स्वीपिंग मॉडुलैरिटी में भी सिर्फ एक कंपोनेंट डिफर करता है, कंपाउंड शेयरिंग मॉडुलैरिटी में सबकी सारी असेंबली और कंपोनेंट सेम रहते हैं, बस उसके लाइक इंक अलग कलर की होती है थी। तो एंड कंपाउंड स्वीपिंग मॉडुलैरिटी में ये होता है कि सिर्फ एक ऐसा सिंगल कंपोनेंट होता है जो सिर्फ डिफर कर रहा होता है, मे बी आप उसको इंक ही बोल सकते हैं एज अ कंपोनेंट। कट टू फिट मॉडुलैरिटी में होता है कि कट टू फिट मॉडुलैरिटी जिसे आप एक पेन आते होंगे जिसको जिसमें पांच कलर की रिफिल डली रहती है और जिस कलर की बटन आप दबाएंगे उस कलर से आप लिख सकते हैं, वो कट टू फिट टाइप की मॉडुलैरिटी होती है। उसमें अंदर एक मैकेनिज्म रहता है जिसकी वजह से आप रिफिल की जो नेप है चेंज कर सकते हैं, तो ये एडजस्ट कर सकता है कि आप एक प्रोडक्ट को वैरायटी अलग अलग प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ कर पाते हैं, तो ये कट टू फिट मॉडुलैरिटी के रेंज में आएगी। प्लेटफॉर्म मॉडुलैरिटी में आपके जो मॉड्यूल्स हैं वो डिफर करेंगे लेकिन उनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होगा, मींस आप इसको मतलब कुल मिला के घूम फिरा के सब बात ही एक ही होती है कि पेन भी आप देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर सबका कैप होता है, बॉडी होती है एंड रिफिल होती है, लेकिन उसकी मॉड्यूल्स डिफर कर देंगे लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर सेम होगा। मतलब अलग अलग कंपनी की पेन देखेंगे तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर सबका सेम है लेकिन उसके इंडिविजुअल जो मॉड्यूल्स हैं वो डिफर कर जाते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म मॉडुलैरिटी के अंदर आएगा। दो लाइनें लिख ली जा सकती है, प्रोडक्ट आर्किटेक्चर। प्रोडक्ट आर्किटेक्चर इज द अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट टू कैरी आउट इट्स रिक्वायर्ड फंक्शन। सेकेंड दो टाइप के होते हैं, इंटीग्रल आर्किटेक्चर एंड मॉडुलर आर्किटेक्चर। तो काफ़ी है, कम पूछा जाएगा और दो वर्ड सुन के याद आ जाएगा एग्जाम्पल देख के, मतलब जैसा नाम वैसा काम। स्टेप इन डेवलपिंग प्रोडक्ट आर्किटेक्चर। स्टेब्लिशिंग द प्रोडक्ट आर्किटेक्चर इज द फर्स्ट टास्क ऑफ एम्बॉडीमेंट डिजाइन।
Product subsystem called modules or chunk are defined and detail of integration with each other are determined. To establish a product architecture, our designer defines the geometrical boundary of product and lay out the proposed element of design within its envelope. A four-step process has been proposed for establishing product architecture. Create a schematic diagram of product. Cluster the element of the schematic. Create rough geometrical layout. Identify the interaction between modules. The schematic diagram ensured that the team understand the basic element of product needs to produce an operating system, operating design. Cluster the element of schematic diagram. The purpose of this step is to arrive at an arrangement of design that will become modules. Okay, create a rough geometrical layout. Making a geometrical allows the designer to investigate whether there is a likely to be geometrical, thermal or electrical interface between electrical elements and modules. Okay, define interaction and determine performance characteristics. The most critical tasks in determining इतना बड़ा पूरा ग्राफ पैराग्राफ एक चीज पे बॉइल डाउन हो जाता है प्रोडक्ट स्टेप्स एंड डिफाइनिंग प्रोसेस पे एक सिस्टमैटिक डायग्राम बनाओ स्केमेटिक डायग्राम बनाओ मतलब छोटे छोटे क्लस्टर का डायग्राम्स बनाओ उस क्लस्टर को ज्वाइन करके एक दूसरा स्केमेटिक डायग्राम बनाओ सारे एक रफ ज्योमेट्रिकल लेआउट बनाओ स्केमेटिक डायग्राम क्या होता है स्केमेटिक डायग्राम मींस टेक्स्ट फ्लो चार्ट जैसे बनाते हैं वो सब स्केमेटिक डायग्राम्स होते हैं तो छोटे छोटे स्केमेटिक डायग्राम्स बना बना के उसके क्लस्टर बना बना के पूरा डायग्राम तैयार करो फिर उसके बेसिस पे एक ज्योमेट्रिकल लेआउट बना लो और उसमें उसके बाद जो जितने भी जो भी मॉड्यूल्स हैं ना आपके क्लस्टर्स के जो कंबाइन करके मॉड्यूल्स बन जाते हैं उन सबके बीच का इंटरफेसेस मीन्स कि आप इलेक्ट्रिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं आपके मॉड्यूल्स की थर्मली इंटरेक्ट कर रहे हैं टाइप्स का रिलेशन ड्रा आउट करो In configurational design, we tend to realize the shape and the general dimension of component. In configuration design, we tend to realize the shape and the general dimension of component. Although the exact dimension and the tolerance would be finally established during parametric design in later stage. The configuration design is developed from the function and it strongly depends on the availability of the material and production technique that we use to create the form from the material. Usually, the design about the design of the component cannot proceed further without making the decision about material from which the product will be made and the manufacturing product success that will cover convert a raw material to functional part of the component or product. There is a close interrelationship among the function and forms and dependency between the material and the method of production. Okay, तो paragraph का meaning same है कि हम configuration design में थोड़ा सा shapes और dimensions के ऊपर चले जाते हैं हालांकि हम exact dimension तो उसकी define नहीं करते हैं जैसे एग्जैक्ट डायमेंशन और टॉलरेंस वगैरह की ज़्यादा कैलकुलेशंस तो पैरामेट्रिक डिज़ाइंस में होती हैं बट एक तरीके से एक रियलिस्टिक करवाने के लिए शेप साइज का एक डिज़ाइन एज अ ले लेते हैं ये कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइंस में के टाइम पे हमें मटेरियल का बताना इस टाइम पे ज़रूरी हो जाता है एंड जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक या प्रोडक्शन टेक्निक यूज़ करने वाले हैं क्योंकि बिना इसके बताए आप पूरा
कंस्ट्रक्शन किसी चीज़ का प्रोडक्शन, आप पैरामेट्रिक डिज़ाइन पे नहीं जा सकते जब तक आप ये मेटल की शेप साइज़ ना बताएं, जब तक आप उसको ये नहीं बता सकते उसकी टॉलरेंस क्या है। अब जब आप मेटल डिज़ाइन करें, मतलब अलग अलग मेटल की अलग अलग टॉलरेंस होगी अलग अलग शेप की ना, अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया और अलग अलग शेप की, तो आपको उसके लिए पहले मेटल्स मटेरियल सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किसकी आप टॉलरेंस जानना चाह रहे हैं और उसकी डायमेंशन बताने पड़ेंगे, उसके बाद आप उसकी टॉलरेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करें ऐसा मटेरियल कंज्यूम करके। काफ़ी क्लोज रिलेशन हो सकता है, रिलेशन होता है जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं और उसकी प्रोडक्शन टेक्निक का, एंड ये दोनों मटेरियल और प्रोडक्शन टेक्निक का कि वो फंक्शन क्या करने वाले हैं और किस फॉर्म वो किस टाइप का फॉर्म लेने वाले हैं। तो कुछ लोगों ने गाइडलाइंस दी हुई है, गाइडलाइंस नहीं क्या दी हुई है देखते हैं। द कॉन्फिगरेशन डिज़ाइन शुड इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, ओके। तो ये एक तरीके से गाइडेंस दी हुई कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स डिज़ाइन बनाने के लिए, किस तरीके स्टेप्स लिए जा सकते हैं इफ़ेक्टिवली, मतलब ये ट्रायल्ड है एंड सक्सेसफुल भी है तो देख ले। रिव्यू द प्रोडक्ट डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन PDS, रिव्यू द प्रोडक्ट डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन एंड एनी सब असेंबली स्पेसिफिकेशन डेवलप, डिटरमाइन द स्पेक्ट्रियल कॉन्स्टेंट दैट आर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट एंड द सब असेंबली बींग डिज़ाइन। सो रिव्यू द प्रोडक्ट डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन एंड एनी सब असेंबली स्पेसिफिकेशन डेवलप, ठीक है। डिटरमाइन द स्पेक्ट्रियल कॉन्स्टेंट दैट आर related to the product and the subassembly being designed. Most of these constraints would have been addressed in the product architecture. In addition to the physical spectacle constraint, the constraint pertaining to the human interaction with the product, product life cycle and the constraint related to providing access for maintenance and repair should also be addressed at this stage, okay. Product life cycle constraint related to the product access for maintaining and repair should be addressed at this stage, maintenance and repair. Create and refine the interface and the connection. Define the interface and connection between the components. Special design efforts are required at the point of connection between the components. It is necessary to identify and offer special attention to interface where the most critical function would finally be carried out. Okay. It is quite essential to maintain functional independence in the design of the assembly. It is quite essential to maintain functional independence in design of an assembly or components. It means that changing of critical dimensions should affect only a single function. It is quite essential to maintain functional independence in design of assembly or components. It means that changing of a critical dimension should affect only a single function. Okay. Following questions should be answered before the initiation of the configuration design.
Can some parts be eliminated or combined to give fewer parts and components? Okay. Can a standard parts assembly or module can be used? Okay. So स्टेप्स इन्हें क्या क्या लेना बोला है कि एक लो एक बार बोला है कि एक बार रिव्यू कर लीजिए प्रोडक्ट डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन जो भी थी अपनी जिसके इर्द गिर्द अपना पूरा डिज़ाइन रेगुलेट हो रहा था उसको एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिए और देख लीजिए कि आपका हर चीज़ उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। सेकेंड ये है कि पहले कॉन्स्टेंट जान लीजिए कि उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद कॉन्स्टेंट्स क्या क्या आए थे, कॉन्स्टेंट क्या क्या हो सकते हैं, मतलब फिज़िकल कॉन्स्टेंट क्या क्या आ रहे हैं उसमें क्या क्या आ रही हैं, और उसके अलावा अगर आप देख रहे हैं तो एक तरीके का ह्यूमन इंटरेक्शन भी हो सकता है उसमें आ सकते हैं। ह्यूमन इंटरेक्शन मींस आपके डिवाइस के साथ और ह्यूमन के साथ, मतलब वो कितना यूज़र फ्रेंडली इंटरेक्शन बोल सकते हैं, इंटरेक्शन मींस कि कितना ईजी है यूज़ करने में कि कॉम्प्लेक्स है, या फिर कितना फिज़िकल एफर्ट या फिर कितनी मेहनत लग रही है, किसी भी तरीके से उसको डिबेट किया जा सकता है। ह्यूमन इंटरेक्शन विद द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिफाइन करनी पड़ती है कि कितनी आप अपने प्रोडक्ट को कितने समय तक मार्केट में देखना एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक तरीके से, और आप प्रोडक्ट के बाद आप उसके मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए भी कुछ मैं आपके प्रोडक्ट के मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए आप उसमें क्या का क्या अरेंजमेंट है, थर्ड ये भी हो जाता है कि जो भी कनेक्शंस हैं तो उसको थोड़े से रिफाइनमेंट की ज़रूरत हो सकती है, थोड़ा मतलब जो भी कंपोनेंट को एक टाइप से जो भी जिस तरीके से आपने कनेक्शन किए हैं मतलब कनेक्ट किया है तो उसमें क्या क्या कुछ सुधार लाया जा सकता है, क्योंकि एक तरीके से इंटरफेस जो भी होता है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रख रहा होता है कि जो भी फंक्शन आपका आपको जो भी चाह रहे हैं। एंड ये भी सही होता है कि आप जो भी फंक्शन मतलब एक मॉड्यूल का कुछ फंक्शन है तो अलग अलग चीज़ों का फंक्शन अलग अलग चीज़ें कर रही हों एंड वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट मतलब एक सिंगल लाइन से जुड़ी हों तो ठीक है, मतलब जुड़ी तो रहेंगी हर मॉड्यूल से एक तरह, लेकिन उनका एक जो भी क्लस्टर्स हैं वो एक इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हों तो ज़्यादा सही है, और अपना उससे वर्क आउटपुट जो भी है इम्पैक्ट दूसरे मॉड्यूल को दे रहे हैं तो ये ठीक होता है एक, लेकिन है ना, तो जितना हो सके इंडिपेंडेंट रखें जिससे अगर किसी चीज़ में अगर कोई किसी चीज़ में कोई सुधार आए कुछ मॉड्यूल में तो उसका इम्पैक्ट सुधार हो तो आप इजीली उस मॉड्यूल में वर्कआउट कर सकें, आपको दूसरे सेकेंड मॉड्यूल को भी कंसिडर करने की ज़रूरत ना पड़े ज़्यादा। एंड थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं खुद से कि या अंत में कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन के कि क्या हम कम पार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, क्या दो तीन पार्ट्स को कंबाइन करके मतलब क्या एक पार्ट कुछ ऐसा इनोवेट किया जा सकता है जो दो तीन पार्ट्स का काम किया कर सके, या फिर क्या हम मतलब या तो खुद का डिज़ाइन किया हुआ पार्ट्स को ना यूज़ करके पार्ट्स का मॉड्यूल बनाए ना यूज़ करके एक जो ऑलरेडी बनाया हुआ मॉड्यूल जो भी है अवेलेबल मतलब मीन्स किसी और डिवाइस में यूज़ होता हो वो क्या डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो ये मतलब क्वेश्चन इसलिए है कि जैसे कैमरा कोई कंपनी बनाते हैं तो उसका डायरेक्टली छोटे वेबकैम डायरेक्टली फ़ोन्स में यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ खुद ही बनाने के, तो ये सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं।
तो लिखना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन इसमें थ्योरी काफ़ी ज़्यादा लिखनी पड़ रही है, लेकिन जैसे ही हम टेक्निकल में आएंगे तो हम डेरिवेशन लिख रहे होंगे ज़्यादा, और फॉर्मूलेस लिख रहे होंगे, और उसके बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स लिख रहे होंगे। अभी के लिए ये ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन, इन कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन मीन्स हम ये लिख इसलिए नहीं कि हम बस एक दो लाइन पढ़ के पूरा उसका अंदर का मैटर हमें रिकॉल हो जाए। इन कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन वी टेंड टू रियलाइज द शेप एंड द जनरल डायमेंशन of components all thought the exact dimension tanuj wo 100 rupaye hua all thought the general dimension of component all thought all thought the exact dimensions and tolerance would be finally established during parametric design. Second ये हो जाता है कि availability of materials and production techniques need to be discussed. Interrelation ship among functions and form and the dependency between the material and the method of production. कि स्टेप्स क्या क्या लेने चाहिए, तो मैं रिकमेंड किया है, तो मैं सीधे डायरेक्ट
क्वेश्चंस पूछ सक लेता हूँ, क्वेश्चन सीधे समझ में आ जाता है कि दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कैन सम पार्ट बी एलिमिनेटेड और कंबाइन टू गिव फ्यूअर पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स एंड कैन अ स्टैंडर्ड पार्ट assembly or module be used? ये भी क्वेश्चन था। इसके बाद आते हैं best practices for configuration design. The general objective of the embodiment phase of design are the fulfillment of required technical functions and at a cost that is economically feasible. The general objective of embodiment phase of design are to fulfillment the required technical function and at the cost of economical feasibility and in a way that ensures safety to user. Okay, काफ़ी बढ़िया लाइन है ये। Safety to the user and to environment. The basic for guidelines for embodiment designs are basic guidelines इन्हें दिए embodiment design के लिए। Clarity of function. It is pertinent to unambiguous relationship between the various function and the appropriate inputs and outputs of energy, material and sign flow. Okay. Simplicity. It refers to the design that is not complex and is easily understood and readily produced. Okay. Safety should be guaranteed by the direct design, not by secondary method such as guards or warning labels. Minimal impact on the environment is growing importance and should be listed as four basic guidelines. Okay, so embodiment design हमें ये ध्यान में रख के करना चाहिए कि हमारे technical function क्या है, हमें मतलब technical requirement ठीक है और उस technical requirement को हम अपने जो भी मनी यूज़ होने वाला है इकोनॉमिकली, मतलब हम क्या उसको अचीव कर पाएंगे इकोनॉमिकली। अचीव मीन्स कि हम अपने बजट में उसको अचीव कर पाएंगे एंड क्या हम उस बजट के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को क्या हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे और क्या उस कीमत पे लोग उसको लेना पसंद करेंगे एंड हमारा प्रोडक्ट सेफ्टी पे सेफली यूज़ किया जा सके, कोई यूज़र को हमारे हार्म ना हो उसके यूज़ करने के बाद। एंड हमारा प्रोडक्ट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने वाला हो। तो चार गाइडलाइंस उन्होंने बताई है कि किस तरीके से क्या किया जा सकता है। तो पहला उन्होंने टॉपिक दिया है क्लैरिटी ऑफ फंक्शन। सीधी बात है, सबसे पहले आप रिलेशनशिप जान लीजिए कि आप इनपुट क्या ले रहे हैं अपने का और आपका आउटपुट क्या जा रहा है। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी मटेरियल आप क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है ये आपको पता हो, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए ये आपको आइडिया होना चाहिए। सेकंड, सिंप्लिसिटी।
डिज़ाइन को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाइए कि ये डिज़ाइन की समझने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो। सेफ्टी गारंटी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की सेफ्टी सबसे पहला कंसर्न होता है, पहले टेक्निकल रिक्वायरमेंट होता है तभी कोई इंसान लेगा। एक कार के तरीके से सोच सकते हैं कि कार आप कब जैसे, हाँ छोड़िए, वैसे सेफ्टी गारंटी होनी चाहिए। सेफ्टी इन द सेंस वो नहीं होना चाहिए कि सेफ्टी इन द सेंस ऐसे जनरली अवॉइड करना चाहिए कि ऐसे गार्ड्स और वार्निंग्स हमारे प्रोडक्ट पे लगाई जाए जिसको जो वार्निंग्स की वजह से हम हमारा प्रोडक्ट लाइक काफ़ी कम अपीलिंग बने बन जाए। और इन्वायरमेंट को ज़्यादा हार्म नहीं करना चाहिए। तो मैं भी कार टाइप का हो गया कि कार का फंक्शन क्या है, चलना, स्मूथली चलना, कंफर्टेबली यूज़र के एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, वो अचीव हो गया। यूज़र को यूज़ करने में सिंपल हो, ये भी एक बात है। एंड कभी क्रैश हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो जो सेफ्टी फीचर्स हैं तो कार इतनी मज़बूत होनी चाहिए कि ड्राइवर को या फिर उसके जो भी अंदर बैठे हैं उसको हार्म ना करे। मैं बोलती हूँ उसको भूल गया, एयर बैग वगैरह सिस्टम्स इंस्टॉल्ड हों एंड इंपैक्ट करे, इंपैक्ट झेल सके। एंड ये है कि पोल्यूशन ज़्यादा ना फैलाए। तो ये कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन में इम्बॉडेड डिज़ाइन की खासियत अच्छा है। ये है तो अंडर द हेडिंग बेस्ट प्रैक्टिस फॉर कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन। The general objectives of the embodiment phase of design are the fulfillment of the required technical functions at a cost that is economically feasible and in a way that ensure safety to the user and to the environment. Okay, काफ़ी है। इसके बाद जो भी इन्होंने लिखा है ये शायद ऑलरेडी उन लोगों पर एक्सप्लेन कर दिया है। डिज़ाइनिंग गाइडलाइंस के हिसाब से क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। आई गेस पूरा फ्रेम आ रहा हो, हाँ। From the extensive list of principle and guidelines for embodiment design, four stand out for the special method mentioned. From extensive list of principles and guidelines for embodiment design, four stand
out for special mention. Force transmission. Force transmission. In mechanical system, the function of many components is to transmit forces and movement between two points. This is usually accomplished through a physical connection between components in general. The force should be accumulated in such a way as to produce a uniformly distributed stress on a cross section of a part. Okay. Division of task. A component should be designed for single function when the function is deemed critical and will optimize for robustness. काफी बार वर्ड आ चुका है robustness. Assigning several functions to single component result in saving weight, okay, space and cost, but may compromise the performance of individual functions, and it may unnecessarily complicate the design. Okay. Self-help. The idea of self-help concerns the improvement of a function by the way in which the components interact with each other. Okay. A self-reinforcing element is one in which the required effect increases with the increasing need for the effect. Okay. Stability. The stability of design determines whether the system will recover appropriately from a disturbance to the system. Okay. तो safety design guidelines में तीन चार चीज को majorly criteria दिया गया है. पहला है force transmission, second division of tasks, third self help and stability. फोर्स ट्रांसमिशन में क्या हम देखते हैं कि जनरली मैकेनिकल सिस्टम जो रहते हैं जैसे इंजन वगैरह हो गया उसमें फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है. दो अलग अलग मैकेनिकल पार्ट्स एक दूसरे से जॉइन होते हैं एंड मे बी मैकेनिकली इम्पैक्ट से वो एक दूसरे को मूवमेंट करा रहे होते हैं तो काफ़ी अंदर स्ट्रेस डेवलप होता है. तो हमारे को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये स्ट्रेस कहीं मेटल को या को ब्रेक ना कर दे एंड ये जो भी स्ट्रेस है ये पूरे इवेंटली क्रॉस सेक्शन में फैला हुआ हो जिससे कैलकुलेशन में इजी पड़े. डिवीजन ऑफ टास्क में या तो आप एक सिंगल पार्ट्स को ही आप काफ़ी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं. ये एक तरीके से वेट को सेव करेगा, कॉस्ट सेव करेगा, स्पेस भी सेव करेगा, बट पार्ट्स कम करने के चक्कर में आप किसी चीज़ की परफॉर्मेंस को ना अफेक्ट कर दें, ये ध्यान में रखना पड़ता है. और दो तीन पार्ट्स को एक का पार्ट एक ही काम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी कर देता है कभी कभार डिज़ाइन, तो ये डिपेंड करता है कि यूज़ करना है कि नहीं करना है. सेल्फ हेल्प मीन्स जो भी हमारा सेल्फ हेल्प इन द सेंस कि कोई पार्ट है किसी उसका कुछ काम है एंड जब उसकी नीड ज़्यादा हो तो वो अपनी खुद की
मतलब अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व कर पाए. जैसे इंजन्स ही हो गया कि अगर गाड़ी अगर बंद अगर होने लगती है, गंद होने लगती है, या और जिस उसका रिक्वायरमेंट है कि वो चलती रहे, किसी रीज़न से वो हो पाए, तो हो सकता है कुछ एक सेफ्टी सिस्टम इंस्टॉल किया जा सकता है कि वो तुरंत फ्यूल का इंजेक्शन उसमें बढ़ा दे इंजन में, जिससे वो प्रोसेस कंटिन्यू हो के रहे. स्पीड ब्रेकर्स के टाइम पे मान लीजिए कि एकदम से जो स्मूथली चल रही थी, एकदम से स्पीड ब्रेकर आया एंड काफ़ी ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ ली, तो उसको क्रॉस करने के लिए एंड प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा कि एकदम से गाड़ी स्पीड ब्रेकर के ऊपर निकल रही है, तो मे भी बंद होने के चांसेस है. तो बंद होने की जगह मैं फ्यूल सिस्टम में ऑटोमेटिकली सिग्नल भेज के ज़्यादा फ्यूल इम्पोर्स कर पाए, जिससे ज़्यादा पावर से वो स्पीड ब्रेकर को क्रॉस कर पाए. तो ये सारे सिस्टम इंस्टॉल होने चाहिए. स्टेबिलिटी मैटर करती है, जैसे मोटर्स वगैरह हो गया, तो जैसे इंडस्ट्री में मोटर वगैरह यूज़ होती हैं, तो उस वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग उनको लोड ड्रॉआउट करना होता है, खींचना होता है. कभी वो उस पर वो जैसे पुली के थ्रू मान लीजिए कभी 10 न्यूटन्स उठा रही, कभी 600 न्यूटन्स उठा रही, तो ऐसी चीज़ें वेरी करती रहती है. तो उसको अक्यूमिडेट कि वो उसी रफ्तार से घूमे जिस रफ्तार से उसका लोड है, स्पीड मतलब वेरी ना हो, स्टेबिलिटी अलग अलग लोड के करस्पॉन्ड नहीं, तो ये एक तरीके से स्टेबिलिटी में आ जाता है. डिज़ाइन गाइडलाइंस फोर्स ट्रांसमिशन, सेकेंड डिवीजन ऑफ टास्क, थर्ड सेल्फ हेल्प, फोर्थ स्टेबिलिटी. सो नेक्स्ट टॉपिक इज पैरामेट्रिक डिज़ाइन. इन कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन द एम्फेसिस वॉज ऑन स्टार्टिंग विद द प्रोडक्ट आर्किटेक्चर एंड देन वर्किंग आउट द बेस्ट फॉर्म फॉर ईच कंपोनेंट. डायमेंशन एंड टॉलरेंस वर सेट टेंटेटिवली, मीन्स कैन बी मैनेज, एंड बाइल एनालिसिस वॉज यूज टू साइज द पार्ट, इट जनरली वॉज नॉट हाईली डिटेल्ड एंड सफिस्टिकेटेड. नाउ द डिज़ाइन मूव्स इन टू पैरामेट्रिक डिज़ाइन, द लेटर पार्ट ऑफ एम्बॉडीमेंट डिज़ाइन. द ऑब्जेक्टिव ऑफ पैरामेट्रिक डिज़ाइन इज टू सेट values for design name variable values for design variable that will produce the best possible design considering both performance and the cost as manifest by manufacturability. okay, तो कॉन्फिगरेशन डिज़ाइन सेट करते टाइम में हमने जो कंपोनेंट्स पार्ट का आर्किटेक्चर डिसाइड किया था, तो वो हम हर कंपोनेंट को एज अ बेस्ट देखना चाहते थे और उसको एम्फेसाइज करना चाहते थे, उसके अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइन किया. लेकिन और बाकी जो डायमेंशंस थी और टॉलरेंस वगैरह थी, वो एज अ हमने काफ़ी उनकी वैल्यूज़ काफ़ी इग्नोर की. मटेरियल सिलेक्शंस और इस पे ही ज़्यादा ध्यान दिया, उसकी डायमेंशंस वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था उस टाइम पे. और डायमेंशंस ही टॉलरेंस मटेरियल डिफाइन करेगी, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल आपने यूज़ किया उस टाइम पे. तो
तो वो कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन ज़्यादा डिटेल्ड नहीं था, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं था, लेकिन पैरामेट्रिक डिज़ाइन में आप चीज़ों को जो आपने वेरिएबल डिफाइन किए थे उस चीज़ को एग्जैक्ट वैल्यू देने वाले हो, और जो कि दोनों तरीके से अच्छा है, परफॉर्मेंस वाइज एंड कॉस्ट वाइज, ऐसी वैल्यूज़ आप फिट करने की कोशिश करेंगे जो भी आपने डिज़ाइन किया था कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन में, डायमेंशन और टॉलरेंस की ऐसी वैल्यू सेट करने पड़ेंगे जो परफॉर्मेंस वाइज भी ठीक ठाक हो एंड कॉस्ट वाइज भी ठीक ठाक हो, फिजिबल हो। तो उस पर थोड़ा सा लिख लेता हूँ। पैरामेट्रिक डिज़ाइन टॉपिक एक लाइन ही लिखूंगा, ये लास्ट वाली जो भी थी। पैरामेट्रिक डिज़ाइन इज टू सेट वैल्यूज फॉर द डिज़ाइन variables that will produce the best possible design considering both performance and cost. Okay. Finish here. Design for manufacturing DFM and design for assembly DFA. Design for manufacture DFM and design for assembly DFA. इसको याद रखो, design for manufacture and design for assembly. दो टाइप के डिज़ाइन होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक असेंबली के लिए। तो DFM, DFA तो आगे यूज़ होगा, तो डायरेक्टली डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चर, डिज़ाइन फॉर असेंबली। ड्यूरिंग एम्बॉडीमेंट डिज़ाइन, डिज़ाइन कंसर्निंग शेप, डायमेंशन एंड टॉलरेंस मस्ट बी क्लोजली इंटीग्रेटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली डिसीजंस। ओके, गुड लाइन। Often this is achieved by having a member of manufacturing staff as a part of design team. Member manufacturing staff design team part. Since this is not always possible, all design engineers need to be familiar with manufacturing and assembly method. Okay. To assist in this generalized DFM and DFA guidelines have been developed, and many companies have specific guidelines in their designing manufacturing process. Design software to aid in this task have been developed and is being used more widely. Okay. तो जो भी हमारा प्रोडक्ट का डिज़ाइन है वो क्लोजली लिंक्ड है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, और असेंबली के हम असेंबली लाइन किस तरीके सेटअप करते हैं उस टाइप की डिसीजन से उससे। तो एक ये बात आती है कि हम ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट डिज़ाइन प्रोडक्ट की हम असेंबली सेट कर पाए, मैन्युफैक्चरिंग सेट कर पाए। तो ये ड्रॉबैक को दूर करने के लिए कि क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, हम ये कर सकते हैं कि डिज़ाइनिंग टीम में और मैं थोड़े मैन्युफैक्चरिंग के स्टाफ्स ऐड कर लें।
जो कि हमें गाइड करते रहे कि इस डिज़ाइन का मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल है एंड इसकी नहीं है। तो मीन्स ज़रूरी नहीं है हम हर पार्ट का डिज़ाइन, हर पर्टिकुलर शेप असेंबली अपने असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा प्रोड्यूस कर पाए। तो मैन्युफैक्चरिंग का स्टाफ हमारे डिज़ाइन टीम में होगा जो हमें बता सकता है कि क्या पॉसिबल है क्या नहीं है। एंड ये हर बार तो पॉसिबल नहीं हो सकता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ अवेलेबल हो हमारे डिज़ाइन टीम में। तो इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपने जो डिज़ाइनिंग इंजीनियर्स हैं उन्हीं को मैन्युफैक्चरिंग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। उनको ही फैमिलियर होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस असेंबली मेथड से। बहुत सारी कंपनीज यूज़ कर रही होती हैं DFM, मतलब डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, एंड DFA, डिज़ाइन फॉर असेंबली टेक्निक्स, और काफ़ी खुद की एक तरीके से स्पेसिफिक गाइडलाइंस सेटअप की हुई होती हैं। काफ़ी सारे डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर भी उसमें यूज़ लाए जाते हैं, उसमें डाटा फीड करे जाते हैं, उनमें स्पेसिफिक गाइडलाइंस मतलब सॉफ्टवेयर जो रहते हो उसको फीड कर किया जा सकता है उनकी गाइडलाइंस से। हाँ तो थोड़ा इसके बारे में लिख लेते हैं। टॉपिक इज डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली। तो ड्यूरिंग एम्बॉडीमेंट डिजाइन डिसीजंस कंसर्निंग शेप dimensions and tolerance must be closely integrated. Manufacturing and assembly decisions. Okay, that's good. So DFM and design for manufacturing DFM के बारे में डिस्कस करेंगे। डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग